सभी लेखक सहायक साथियों को नमस्कार। साथियों, लगभग करीब सवा दो महीने से ज़्यादा समय हो गया मैं आप सभी के बीच में आया हूँ। किसी कारणवंश मैं इतने दिन ग्रुप में नहीं था और ग्रुप से नहीं बोल पाया, कोई संगठन का कारण था। इस दौरान हड़तालें भी हुई, सब कुछ हुआ, सभी भाइयों ने संघर्ष भी किया, मैं देख भी रहा हूँ। प्रदेश कार्यकारिणी लगातार कार्य भी कर रही है, खाटू श्याम जी मीटिंग भी हुई, उस मीटिंग में मैं भी गया था, सब भी गए, सारे और भी अलग अलग जिलों के लेखा सहायक साथी, करीब 30-35 लेखा सहायक साथी आए थे विभिन्न जिलों से, और संगठन के रूपरेखा पे भी चर्चा हुई, विभिन्न बिंदुओं पे 1-to-1 चर्चा हुई। उसके बाद अपने विभाग के नए मंत्री जी आए, मंत्री जी का स्वागत करने के लिए भी लेखा सहायक साथी गए, और आगामी प्रोग्राम भी कंटिन्यू चल ही रहे हैं और प्रदेश कार्यकारिणी लगातार काम कर रही है। परंतु कुछ लेखा सहायक साथी जिनको जो एक्टिव भी हैं, संगठन में संघर्ष भी करते हैं, उनको एक जाजम पे लाने का प्रयास किया, उनको बुलाने के लिए कहा, परंतु माने नहीं। तो आप सभी लेखा सहायक साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि संगठन किसी व्यक्ति के पीछे नहीं है, व्यक्ति संगठन के पीछे है। यदि आज आप मेरे साथ नहीं हो तो मुझे कोई नहीं जानेगा। मैं सोचूं मन में कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं, मैं हूं तो संगठन नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू भरम है। तो आप किसी की बातों में ना आए, प्रदेश कार्यकारिणी लगातार कार्य कर रही है, कोई सुधाकर जी अलग नहीं है, कोई हम अलग नहीं है, कोई सांवरिया जी अलग नहीं है, सब एक हैं, आपके हितों के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की मंशा भी अच्छी है, 3 साल सरकार के पूरे होने वाले हैं, और विभिन्न संगठन सभी कैडर्स लगातार प्रयासरत हैं, और हो सकता है अपने नसीब तेज हो और कुछ ना कुछ मिल जाए, परंतु प्रयास जरूर करने पड़ेंगे। जेएन भर्ती प्रक्रियाधीन है, लेखा सहायक भर्ती के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी उसके साथ जारी हो जाए, परंतु सब में आपका सहयोग आवश्यक है। ऐसा नहीं कि भाई एक व्यक्ति अलग पक रहा है, एक इधर जा रहा है, एक व्यक्ति CMO में जा रहा है, एक व्यक्ति कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लेखा सहायक हो, ये तो नहीं कि कोई आप IAS हो और हम आपको साथ में लाना चाह रहे हैं, सब एक हैं, एक होना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो फेवर करते हैं उन बातों का, तो फेवर नहीं करना चाहिए भाई। ये है नहीं है कि भाई मैं गलत हूँ तो आप, मैं ये नहीं आप पे दबाव नहीं बना रहा कि आप मेरा सपोर्ट करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको सहयोग करना चाहिए, जो पहले बात नहीं आप पे दबाव नहीं बना रहा कि आप मेरा सपोर्ट करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको सहयोग करना चाहिए, जो पहले बातें हुई उन सबको भूलना चाहिए और सबको एक जाजम पे आना चाहिए, और ऐसे मन में नहीं रखें कि भाई आज वो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है तो मैं उसके साथ नहीं लगूंगा, क्योंकि भाई आज भाई सुधाकर जी प्रयास कर रहे हैं, सुधाकर जी संगठन के अध्यक्ष हैं, कि सुधाकर जी के अथक प्रयासों से यदि कुछ मिलता है तो ये तो नहीं कि सुधाकर जी केवल अकेले नियमित होंगे, सभी को फायदा है, मुझे भी फायदा है और लोगों को भी फायदा है, सबको फायदा है। तो इस सोच को रखते हुए सबको एक जाजम पे आना ही पड़ेगा, पहले जो हुआ उनको सो भूलें, और ऐसा मन में भी नहीं सोचें कि भाई वो व्यक्ति मुझे बोलेगा तो मैं आऊँगा, ये फलाना व्यक्ति मुझे बोलेगा तो मैं आऊँगा, ऐसा नहीं है। किसी की कोई घर की लड़ाई नहीं है, संगठन का कार्य है, सबको कंधे से कंधे मिला के करना है। यदि इस सरकार में कुछ नहीं कर पाए, 1 साल का समय है, फिर भूल जाना, इस संविदा रूपी नौकरी भी जाएगी आपकी, कुछ नहीं होना, घर बैठ जाना 1 साल के बाद में यदि अभी कुछ नहीं हुआ तो। इसलिए सोच समझ के प्रयास करो, सब एक हैं, और जो व्यक्ति गुमराह करते हैं उनको समझ दो, सबको संगठित रह के ही प्रयास करने होंगे तो ही सफलता मिलेगी, अन्यथा अकेले अकेले भगने से कोई सफलता नहीं मिलेगी। धन्यवाद।